मेरा बताया हुआ आज का ये फेशियल कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, विद इन अ वीक आपके चेहरे पर इतना ग्लो दिखेगा कि जो आज से पहले कभी आपने इमेजिन नहीं किया होगा। सुनते जाइए, अगर आपके फेस पर समय से पहले एजिंग आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करेगा, फर्म करेगा। इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स के दाग हैं, झाइयाँ हैं, या फिर एक्नी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, या आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुका है, बिल्कुल बेजान हो चुका है, या फिर डार्क सर्कल्स आपके फेस पे बहुत ज़्यादा है, ये उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये मेरा आज का फेशियल, अगर आपके फेस पर फेशियल हेयर्स हैं, बेबी हेयर्स हैं, तो ये उनको भी रिड्यूस करेगा। तो सोच सकते हैं कितना इफेक्टिव होगा। इसके लिए आपको बाहर की कोई भी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमारे घर में रखी हुई चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है। और हमारे इस मेन फेशियल का इंग्रेडिएंट रहेगा गेहूं का आटा। जी हाँ, आज से पहले आपने सोचा नहीं होगा कि घर में रखा हुआ गेहूं का आटा कैसे आपकी खूबसूरती को इतना चार चांद लगा सकता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो, देख लेते हैं कैसे इस फेशियल को करना है और इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। हाँ हाँ, जानती हूँ वीडियो जल्दी स्टार्ट करने की जल्दी है, लेकिन ऐसे मत जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मेरा अकाउंट है @ishramehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है healthtime। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस बेहतरीन से ग्लोइंग फेशियल को अपने फेस पर करने से पहले आपने क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? आपने कच्चा दूध लेना है और उसमें कॉटन डिप करना है, और उसके बाद अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि आपके फेस पे कोई भी डस्ट और इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है, फेस क्लीन करने के बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो है स्क्रब। स्क्रब के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है, उसमें डालना है आपने 1 चम्मच आटा। जी हाँ, ये वही आटा है जो आप रोटी के लिए यूज करते हैं, गेहूं का आटा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने लेना है कॉफी। कॉफी क्या करती है, बहुत ही अच्छे से आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करती है और साथ में आपके सारी डेड लेयर को हटाती है। अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा मार्क्स हैं तो उनको भी ये बहुत अच्छे से रिमूव करती है। तो मैं यहाँ पे एक सेशे यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास लूज कॉफी है तो आप उसका 1 चम्मच ऐड कर लीजिए। ये आपके बहुत अच्छे से ब्लैक हेड्स को, व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगी, आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाएगी। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा बादाम रोगन शिरीन। यहाँ पे मैं हमदर्द का ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल ऐड करना है। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है उसको रिमूव करेगा, अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है तो ये उसको भी ख़त्म करता है, आपके झाइयों के मार्क्स को भी रिमूव करता है। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मेरे पास मार्केट वाला है, अगर फ्रेश नहीं है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि उसके जैसा रिजल्ट मार्केट वाला आपको कभी भी नहीं दे सकता है। तो 1 स्पून आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड करें। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप इसमें एलोवेरा जेल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या फिर ऑयल, लेकिन आपको वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब इसी से आपने इस तरह से इसको फिंगर टिप्स पे लेना है, और जैसे मैं आपको मसाज करके दिखा रही हूँ सर्कुलर मोशन में, आपने अपने पूरे फेस पे इसको मसाज करना है। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी फेस पे डेड लेयर है, नोज एरिया में, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, उससे सारे आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड सारे रिमूव हो जाएंगे, आपकी सारी डेड लेयर भी अच्छे से हट जाएगी। 2 से 3 मिनट तक अपने फेस को आपने ऐसे ही स्क्रब करना है, देन उसके बाद ठंडे पानी से आप वॉश कर लीजिए। अगर आप इसका दुगना इफेक्ट चाहते हैं अपने फेस पे, तो स्क्रब करने से पहले गर्म पानी में एक सूती रुमाल आप डिप कर लें और अपने फेस पे उसकी स्टीम ले लें। स्टीम लेने से क्या होगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, और जो आज हम फेशियल करने वाले हैं इसका डबल इफेक्ट आपके फेस पे दिखेगा, जो आज से पहले आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। इनफैक्ट अगर आज से पहले आपने कोई महंगे फेशियल भी करवाए होंगे, और अगर आज आप मेरा ये होममेड फेशियल ट्राई करोगे, तो आपको आपके फेस में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आपका फेस मार्केट वाले फेशियल से कहीं ज्यादा बेहतर ग्लो देगा और आपकी सारी डेड लेयर को हटा देगा। तो चलिए अब मैं ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रब करने से मेरे फेस में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो बस अब पूरा वीडियो देख लिया ना, तो फटाफट से किचन में भाग के जाओ, अपनी चीजें कलेक्ट करो और फटाफट से अपना फेशियल खुद कर डालो और निखार ले आओ। तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो बस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे @ishramehra मेरा अकाउंट है, उसे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।